यूके के जिला ऊधम सिंह नगर की गदरपुर तहसील के 52 ग्राम सभा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का किया गया आयोजन। क्षेत्रीय विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। एमपी के छतरपुर में शासन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा घुबारा में मनाई गई क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि। खुदीराम सबसे कम उम्र में थे क्रांतिकारी। यूपी के बुलंदशहर में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, एक्सीडेंट, 4 लोग की मौत, 8 लोग घायल। घटना की सूचना पर प्रशासन, एम्बुलेंस और पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचा। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान डग्गामार बस में 120 पेटी अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्का शराब पुलिस ने पकड़ी। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर शराब और बस को किया जब्त। यूपी के बरेली में मोटरसाइकिल पर सवार होकर मरीज देखने पहुंची फरीदपुर की चौधरी रोमाना सिद्दीकी के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी भी साथ में मौजूद रहे। यूपी के रायबरेली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने दी जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। युवक की हालत गंभीर, पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच की शुरू। एमपी के छतरपुर बड़ा मलहरा में टीचर ने स्टूडेंट की कर दी पिटाई। अस्पताल में स्टूडेंट भर्ती, छात्र को बेहोशी की हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती, उपचार जारी। यूपी के बरेली में ट्रक की टक्कर मारने पर कांवड़ियों ने किया रोड जाम। आला अधिकारियों के समझाने पर कांवड़ियों ने खोला जाम। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से कांवड़ियों ने पीलीभीत बाईपास रोड किया था जाम।